इधर देखिए, एक बोरा ठंडा के मौसम में पहनाने के लिए दोनों एक जैसा कलर है। इनफैक्ट बाबू के होने के बाद हम पहली बार मॉल में गए हैं बेबी के लिए कपड़ा खरीदने, तो सबके लिए कुछ ना कुछ कर दे सिर्फ मेरे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ा लेट हो गया सो के उठने में, आप सभी जानते हैं। कल हम बहुत दिन बाद इतना लंबा सफर भी किए थे, साथ में 3-3 बार सीढ़ियां भी चढ़े, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा बैक पेन होने लगा था। कभी कभी दर्द देने लगता है, सिजेरियन हुआ है तो प्रॉब्लम तो होता ही है। लेकिन देखिए ना, खुशी इस बात का हुई ना कि जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचे इस मॉल में कुछ देखने के लिए, वैसे ही हमारी ननद साहिबा भी आ चुकी थी। बहुत अच्छा लगा मिलकर वहां पे। और घर जाने का ही प्लान था, लेकिन डुगू को स्कूल से लाना भी था, टाइमिंग भी ज्यादा हो गया था। तो फिर कभी जाएंगे साथ में घूमने उमने के लिए। और बाबा दादी ही बुला रहे थे हम लोग को मिलने के लिए। इधर देखिए, हमारा डुगू आ चुका है किचन में, और ये क्या कुछ खोज रहा है, कुछ तो करने खोज रहा है। तो इधर हम आटा को गूंद के यहाँ पे रख दिए हैं। लेट हो ही गया है, लेकिन फिर भी डुगू जल्दी कुछ खाते तो है नहीं, तो इसलिए हमको कुछ कुछ बनाना पड़ जाता है। तो इधर देखिए, आज बनाए हैं उनका पसंदीदा सेवई बनाए हैं, और साथ में फ्राई कर रहे हैं आलू का भुजिया। ये देखिए आलू का भुजिया, जैसे ही नाम बोले ना, इनका देखिए चेहरा कैसे दिखने लगा। कौन खाएगा आलू का भाजी? ई, अरे भैया क्या कर रहा है? भैया क्या कर रहा है? क्या है? ओ, थोड़ा सा जिम इसलाता तो कर ही देते हैं। लाइट नहीं है ना? नहीं है लाइट, बड़ा दिक्कत है यार। और देखिए ना, टाइम कितना ज्यादा हो गया, आज हमको लेट हो गया सोकर उठने में ना, क्या करें। प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ होता है दोस्तों, और मेरा तो भी। और ये मुझको कब से उठाए जा रहे हैं, कब से बोल रहे हैं रूबी उठो उठो। वो तैयार तब तक करते हैं फर्स्ट, क्योंकि टाइम तो इसी हो गया है ना। हाँ, बस मेरा रेडी हो गया है। देखिए इधर सारा सेवई रेडी कर दिए, भुजिया बस होने ही वाला है, और इधर पटाख से 2 पीस रोटी बना देंगे बाबू, जल्दी से हो जाएगा ना। और हाँ दोस्तों, हमने बेबी के लिए क्या क्या शॉपिंग किया था वो सब आप सबको दिखाएंगे, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था ब्लॉग, इसलिए उसमें नहीं दिखा पाए। बट जो भी खरीदे हैं बहुत ही अच्छा खरीदे हैं, पता नहीं आप सबको पसंद आएगा। और चिकू ठेठ शुरू कर दिए, तो उधर देखिए चटाई लेकर चले गए हैं वो बिछाने के लिए। देखिए बाबू, खरखर भुजिया अच्छा लगता है, बस हम रेडी कर दिए हैं। दोस्तों सब्जी ना बहुत सस्ता सस्ता था, इसलिए पूरा एक झोला भर के लाए हैं। क्या क्या बनाते हैं देखते हैं अब। अच्छा, मेरे बच्चा को संभाल लेंगे, सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ता किए भी नहीं। लाइन आया नहीं, कहाँ लाइन है ही नहीं, सुबह से जो कटा हुआ है सो कटा हुआ है, पूरा थैला भर के लाया है। अभी ब्रश कर लिए हैं, किचन में आ गए हैं, और पानी गरम कर दिए उनको, गैस पे गरम करके दिए पानी नहाने के लिए, क्योंकि लाइट सुबह से ही नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पानी गरम नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ वो नहा के आएंगे बाबू के पास, तो हम जाएंगे नहाने। और इधर देखिए सब्जी लाकर सब रखे हुए हैं, और फरमाइशी इनका कि देखते हैं इतना सारा सब्जी ला दिए क्या क्या रूबी बनाती है। तो एक दिन थोड़ी बना पाएंगे, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे देख के। तो आ रहे हैं गुल्लू, बाबू मस्ती कर रहा है उधर। देखिए ये गोभी लाए, और ये ऐसा गोभी है ना कि एकदम पूरा पत्ता सहित है। अगर 1 kg भी आदमी खरीदेगा तो सोच रहे हैं 2 पीस हार्ड से 3 पीस चढ़ेगा तुरंत 1 kg होगा, और हमसे कह रहे हैं कि बहुत सस्ता है। इतना झूठ बोलते हैं ना ये, इनको कुछ अलग से खाने का मन कर रहा होगा इसलिए सब बोल दिए। पर कोई बात नहीं, फिर भी बना देंगे। बाबू का पसंदीदा भिंडी भी ला दिए हैं। देखिए सब्जी में क्या क्या लेकर आए हैं, और हमको तो ये देख के बहुत हंसी आ रहा है। दोस्तों आप सबको भी दिखाते हैं ये है क्या, इतना बड़ा गोभी ले आए हैं। ये तो अकेले हो जाएगा 2 kg का। इसका कलर दूसरा दिख रहा है, देखिए ना आप सब, पता नहीं ऐसा गोभी तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ब्रोकली तो खाए हैं जो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। पता नहीं बारे इतना बड़ा उठाकर कैसे ले आए हैं इतना बड़ा सब्जी। टमाटर भी अलग कर देंगे, प्याज भी अलग कर देंगे, और उसके बाद फिर हम भी नहा लेते हैं, और नहाने धोने के बाद तब नाश्ता वास्ता करेंगे फटफट से, क्योंकि पानी हम भी गर्म चढ़ा लेते हैं दूसरी साइड में। बदमाशी कर रहा है और क्या होगा। नहीं नहा है अब। इतना ठंडा है, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा नहाने नहीं जा रहे। पहले बाबू शांत करते, उसके बाद हम नहाएंगे बेटू। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम पालक के पास, और देखिए यहाँ पे भी जा रहे हैं खोटने,
पूरा मिट्टी इतना लग गया है पालक में ना, देखिए बारिश हुई थी ना उसके बाद से पूरा मिट्टी मिट्टी लग गया है। तो अभी पत्ता इसका तोड़ लेंगे। आप सभी जानते हैं कि आज है दिन सैटरडे और आज के दिन ना खिचड़ी खाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तभी मैं वही बस खोट रही हूँ पत्ता को। आप सब बोले थे कि पत्ता इसका जड़ जो रहेगा ना तो और भी फुनगी देगा, तो आप इसका पत्ता खोटिएगा। देखिए रीज़न क्या है ना, ऐसा मतलब इस पत्ता ऐसा हो गया ना, बहुत दिन ये पुराना हो गया और इसके पापा बहुत पहले रूप हुए थे ना, तो पूरा जो पत्ता ना पूरा कड़ा हो गया है, तो ज़्यादातर मतलब गलाना पड़ता है, पर अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्ट लगता है। तो बस अभी खोट रहे थे हम पत्ता को, थोड़ा सा खोट लेंगे फिर धो के फिर इसमें खिचड़ी में डालेंगे तो बहुत यम्मी लगेगा खाने में। सारा सब्जी मिक्स करेंगे इसमें ना तो अच्छा लगेगा। अभी बाबू सोया हुआ है, सोच रहे हैं फटाफट से बना लेते हैं, वैसे दोपहर का भी टाइम हो गया है। ये देखिए कितना मिट्टी लगा हुआ है, सभी धोएंगे। और नहा धो कर हमारा नाश्ता वास्ता भी हो गया था, बाबू सोया था जाके हम नहाए फटाफट से, कपड़ा भी बहुत सारा धोना था, कपड़ा भी धो दी। दूसरी तरफ सारा सब्जी देखिए सजा कर रख दी है, अच्छा लग रहा है। और ये मिर्चा को भी इसी में रहने दी, सोचिए कि फटाफट पहले खाना बनाना तो उसके बाद सारा एक अलग करेंगे मिर्चा को और हरा मटर को। इधर बाबू के लिए भिंडी ला दिए हैं, उसको अच्छा लगता है। और ये गोभी देखे ना मुझे बहुत हंसी आ रहा है, ये गोभी भी कलर इसका दूसरा दिख रहा है। टमाटर और प्याज इधर रख दिए, पत्ता गोभी कब से ला के रखे, लेकिन नहीं मुझे पता, कुछ लोग कहते हैं पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए अभी, तो बाबू को ना चिल्ली बहुत पसंद है, तब आरारोट मंगाएंगे ना तब जाकर उनके लिए चिल्ली बना लेंगे। सारा सब्जी कट कर लेते हैं, इसमें आलू भी डालेंगे खिचड़ी में, आलू मटर और थोड़ा सा गोभी भी फ्राई करके डाल देंगे, और साथ में पालक रहेगा दाल के साथ तो अच्छा लगेगा खाने में। खिचड़ी के लिए सब्जियां जो है पहले भून ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा मिक्स भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा ना, ऐसे तो हमेशा खाते ही है हम लोग बिना सब्जी का, लेकिन सब्जी सस्ता है तो जितना भी खाने के मौसम में सब्जी मिला के खाने में मजा ही कुछ और आता है। क्या दाल चावल सब पहले धो लिए, लग रहा पालक पता ही नहीं चल रहा है, फ्राई कर दिया था सब घुल गया। फ्राई करेंगे उसके बाद में डालेंगे पानी, अब तक पाव भी आ जाएगा, गर्मा गर्म निकालेंगे और सबको मिलकर खाएंगे। आप सुबह आ जाइए खाने के लिए। शॉपिंग करके आए हैं और जो बैग में पड़ा हुआ है अभी तक देखे भी नहीं कैसा कपड़ा दिया है कि नहीं दिया है, मेरे लिए कुछ थोड़ी है। इधर देखिए एक बोरा माँ और बेटे की खरीदारी है, ये देखिए सबसे पहले चीकू के लिए, सॉफ्ट लग रहा है ये कपड़ा और इसलिए हम खरीदे हैं ठंडा के मौसम में पहनाने के लिए दोनों एक जैसा कलर। परसल तो छोटा हो जाएगा, नहीं होगा परसल छोटा, अभी साल गर्मी थोड़ी है, थोड़ा बहुत ही ठंडी बचा है, अभी बहुत ठंडा, एक महीना है फिर ही पहना लेंगे ना, बाबू को लेने का मन था हमको। और ये रहा इनके लिए सॉक्स, खरीदे हैं सबके लिए, खरीदे कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदे हैं। तो ये 1, 2, 3 एंड इसमें 3 पीस है, क्योंकि इनकी बस मात्र एक ही पीस मिल जाता है, एक पीस मुझे फट गया है, सोचे कि एक बार ले लीजिए, ठंडा गर्मी सब टाइम में काम आता है, जूता पहनते हैं तो ऐसे ही बिना सॉक्स का अच्छा नहीं लगता है, तो इनके लिए ये खरीद दिए। और ये रहा मेरे बड़ा बेटा के लिए जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, नापे भी नहीं पता नहीं बन रहा है कि नहीं, बन जाएगा बाबू आएगा तो नापाएंगे ना बाबू को। और ये रहा नीचे का जीन्स, देखिए उतना भी हमको ये अच्छा लगा कलर, क्योंकि बाबू के पास इस टाइप का शर्ट नहीं था, ये कलर नहीं था बाबू के पास, क्या जी, और बहुत सुंदर लगा हमको, क्या कीजिएगा, मॉल में कपड़ा तो महंगा है ना, तो लेकिन बेबी को कब पहनाएंगे, जब उनके लेने गए तो उसके बड़ा वाला भी ले लेते हैं, अब इनको आएगा भी फिटिंग बहुत अच्छे से आएगा। और नीचे का जीन्स ना ऐसा मतलब लग रहा है ना, ऐसे ऊपर से उठा हुआ लग रहा है, कलर इसका बहुत सुंदर है, जल्दी गंदा भी नहीं करेगा, बहुत बदमाश जल्दी गंदा करता है, फिर भी पीछे कर ही देगा, पैकेट वैकेट सब है इसमें, तो हमको अच्छा लगा तो हम ले लिए। आप सब बताइएगा दोनों बेबी का जो कपड़ा खरीदे हैं कैसा लगा। और फाइनली आता है मेरा लास्ट में कपड़ा जो कि हम खरीदे थे, ननद जी की फरमाइश थी भाभी इस टाइप का कपड़ा एक दो पहन के देखिए अच्छा लगेगा, तो बस ले लिए हैं हम, देखिए। और हमारे परिदेव जी कह रहे हैं ये तो पूरा लग रहा है कि बाबा जी का पैजामा है, तो ये सब स्टाइलिश कपड़ा है जी,
और हम जानते हैं कि हमारी जो ननद जी है ना वो एक से एक डिजाइनिंग जानती है कपड़ा कैसा पहनने से अच्छा लगेगा, तो बस बोले भाभी ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा। फिर हम बोले उनके लिए भी कि एक पीस आप भी ले लीजिए, हम लेके अभी अच्छा ले लेंगे हम, लेकिन अभी आप लीजिए ना आपको ऊपर अच्छा लगेगा। तो देखिए ये मेरे लिए है और इसके ऊपर का रहा ये टॉप। गाँव में एक चूस पजामा आता है पता है ना, इसी टाइप एकदम चौड़ा मुंह रहता है उसका। हाँ। जो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग पहनते हैं जो 40-50 साल उम्र रहता है, 45-50 साल उन लोग पहनते हैं। पहला पजामा रहता है सो जो मेरे पापा पहनते हैं। हाँ, चूस पजामा, चूस उसको बोलते हैं ना, नहीं पता। तो ये देखिए ये ऊपर का टॉप है, हमको तो पसंद नहीं है टॉप, लेकिन पहले पहन ली, अब मन नहीं करता है पहनने के लिए टॉप, लेकिन मतलब इतना जिद करने लगे ना कि नहीं भैया भाभी के लिए खरीद ही दीजिए। सोचे की चलिए कभी कभी ननद जी की फरमाइशी ही पहनना चाहिए। तो ये रहा हमारा जो आप सब बोलते हैं येलो मेरे पे जचता है, तो बस हम वही ले लिए क्योंकि हम है तो है काले, और काले लोगों को तो जितना चहट महट कलर हो ना उतना ही अच्छा लगता है। तो बस हम येलो ले लिए, ये ऊपर का हमारा हो गया और ये रहा हमारा नीचे का पैजामा। तो वियर करेंगे तो आप सबको दिखाएंगे कैसा लगा, पहन के जरूर दिखाएंगे लेकिन अभी नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा मॉल से खरीदारी, पेमेंट आने के बाद हम कुछ भी नहीं खरीदे, इनफैक्ट बाबू के होने के बाद हम पहली बार मॉल में गए बेबी के लिए कपड़ा खरीदने, तो सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदे, सिर्फ मेरे पतिदेव जी ठगा गए तो उनके लिए सिर्फ मोजा खरीदे। हम इनके लिए बोले थे ना जी कि ले लीजिए एक दो शर्ट, लेकिन ये बोले कि नहीं हमको पसंद नहीं पड़ रहा, हम नहीं लेंगे, आप लोग को लेना है तो आप लोग ले लीजिए। तो बस वही रीजन है हम अपने लिए ले लिए और बड़ा बेटा के लिए ले लिए, छोटे वाले बेटा के लिए ले लिए, बाकी बाबू के लिए कपड़ा घर पे है ही, खाली इनर को बहुत जरूरी था और ऐसा सॉफ्ट डू को हम पहनाए थे तो हम छोटे वालों को कैसे भूल जाएंगे, तो उनके लिए बस खरीदे। तो बस छोटा मोटा ये रहा हमारा खरीदारी, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। माँ और बेटे का ड्यूटी लगा हुआ है और आज मटर लगा सब छील देंगे क्या हीरो? हाँ पापा। वाह, दोनों के बैठ गया है एक बड़ा पीढ़ा पर और एक घोड़ा पर, ऐसे ही काम के बात नहीं क्या करेंगे। अब मैंने की बाप काम करने से कर दिया इनकार, तो बेटा पकड़ा गया। क्या करें, मटर है ना कि जल्दी जल्दी खाने है, जल्दी छीलना पड़ता है। अब करते नहीं है, सोचे कि मटर खाए खाने का मन कर रहा था। बारे बार हमको तो देखो कि हंसी लगता है, छोटा कैसे निकाल, अब हम कह दी रहे बाबू निकाओ तुना नहीं करते। अब मैया के बाद देखा, बार मैया बा माँ माँ है मुंह में लख जाए ना, का है खाना चाहिए ना, इसे हम खाते हैं लही तो नहीं, मेरा हाथ में नहीं जाएगा भैया, एकदम सीचा ला है जी मोटर जी, दाना है ये नहीं है इसमें, मजा नहीं आएगा ना खाए में, अच्छा लगेगा मीठा लगेगा खाने में, तो अच्छा लगेगा, अच्छा है।